क्या आपको इन सेंटेंसेस की इंग्लिश आती है? सभी नागरिकों को देश के कानूनों का पालन अवश्य करना चाहिए। तुम्हें सद्गुणों का प्रयोग करना चाहिए। कार चालकों को कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को आगे या पीछे मरना ही है। बुजुर्ग महिला कम से कम 70 वर्ष की तो अवश्य है। अगर आपको इन सेंटेंसेस की इंग्लिश नहीं आती है तो चलिए देखते हैं कैसे सीखते हैं इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र गौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है ही चाहिए। जब हम कंपल्शन यूज़ करना हो, कोई चीज़ हम बोलें कि हमें करना ही है या तुम्हें करना ही चाहिए, जब हम एडवाइस ना दें, एडवाइस देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शुड, जो कि हम पहले हम पढ़ चुके हैं। जब हमें सजेशन देना होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं? शुड का यूज़ करते हैं। जब हम सजेशन ना दें तब हम क्या यूज़ करते हैं? मस्ट। इसको अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। देखिए, पहला जो यूज़ है वो है कंपल्शन, नेसेसिटी के लिए, मतलब अनिवार्यता या आवश्यकता के लिए मस्ट का यूज़ होता है। जैसे क्लर्क को अपने ऑफिसर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो द क्लर्क मस्ट ओबे हिज ऑफिसर। हर सदस्य को मीटिंग में भाग अवश्य लेना चाहिए, तो एवरी मेंबर मस्ट पार्टिसिपेट द मीटिंग। अब हमारा सेकेंड जो यूज़ है, टू एक्सप्रेस ड्यूटी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। जब हमें ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, मतलब कर्तव्य या तीव्र आभार व्यक्त करने के लिए भी मस्ट का यूज़ होता है। जैसे सभी नागरिकों को देश के कानूनों का पालन अवश्य करना चाहिए, तो ऑल सिटीजन्स मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंट्री। ठीक है, तुम्हें सद्गुणों का प्रयोग करना चाहिए, तो यू मस्ट पार्टिसिपेट वर्च्यूज। सभी को देश के लिए कार्य करना चाहिए, तो ऑल मस्ट वर्क फॉर द कंट्री। नेक्स्ट यूज है हमारा थर्ड, टू एक्सप्रेस एम्फेटिक एडवाइस। जब हमें जोर डालकर राय व्यक्त करने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि उसे सूर्यास्त के पूर्व घर अवश्य पहुंचना चाहिए, तो सी मस्ट रीच होम बिफोर सनसेट। कार चालकों को कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करना चाहिए, तो द कार ड्राइवर्स मस्ट यूज सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। अब देखिए, नेक्स्ट यूज़ है हमारा, टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग बिलीफ। जब हमें निश्चितता या पक्के विश्वास को व्यक्त करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हर एक व्यक्ति को आगे या पीछे मरना ही है, तो एवरीवन मस्ट डाई सूनर और लेटर। सबको विकसित होना व नष्ट होना है, तो ऑल मस्ट ग्रो एंड पेरिश। अब फिफ्थ यूज़ है हमारा, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और द इन्फेरेंस, मतलब संभावना व्यक्त करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे बुजुर्ग महिला कम से कम 80 वर्ष की तो अवश्य है, तो द ओल्ड वूमेन मस्ट बी एट लीस्ट 80 ईयर्स ओल्ड। पिताजी को अब तक भोपाल अवश्य पहुंच जाना चाहिए, तो फादर मस्ट हैव रीच्ड भोपाल बाय नाउ। जब हमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा के लिए भी क्या यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ जो है, टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी और एक्सपेक्टेशन। जब हमें तार्किक आवश्यकता या अपेक्षा व्यक्त करने के लिए मस्ट का यूज करते हैं, जैसे कि हिसाब में कुछ गलती अवश्य होगी, तो देयर मस्ट बी सम एरर ऑफ कंप्यूटेशन। आपको आपकी गलती पर दुखी होना चाहिए, तो यू मस्ट फील सॉरी फॉर योर एरर। नेक्स्ट यूज़ है हमारा सेवन्थ, जो हमें मस्ट नॉट, मतलब नहीं करना चाहिए के लिए, मतलब हमें नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेगेशन, मतलब कि हमें प्रभावपूर्ण नकारात्मकता व्यक्त करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हमें सख्ती के साथ मना करना हो किसी चीज़ के लिए, तब मस्ट नॉट यूज़ करते हैं। जैसे कि उसे सौदेबाजी में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, तो ही मस्ट नॉट वेस्ट हिज टाइम इन बार्गेनिंग। तुम्हें अपने शिक्षकों से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो यू मस्ट नॉट रूड टू योर टीचर्स। अब देखिए, एट्थ यूज़ है हमारा नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन और नेगेटिव कमांड। जब हमें निषेध, मतलब मना करना हो, या नकारात्मक आदेश व्यक्त करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो वन मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। आपको ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो यू मस्ट नॉट डिसओबे ट्रैफिक रूल्स। अब देखिए, नेक्स्ट जो नाइन्थ यूज है, टू एक्सप्रेस द प्रोहिबिशन ऑफ नेसेसिटी, मतलब आवश्यकता का निषेध। मतलब कि जब हमें किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, आवश्यकता नहीं है उस काम को करने के लिए, तब भी हम, मतलब या नहीं करना है तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं। मंदिर में कैमरे नहीं ले जाना चाहिए, तो कैमराज मस्ट नॉट बी ब्रॉट इन द टेम्पल। विद्यार्थियों को अपने नाम उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना चाहिए, तो कैंडिडेट्स मस्ट नॉट राइट देयर नेम्स एनीवेयर इन द आंसर बुक।
अब देखिए नेक्स्ट यूज है हमारा टेंथ जो कि लास्ट यूज है, टू एक्सप्रेस द प्रोहिबिशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब किसी कर्तव्य पर जोरदार निषेध। जब हमें बहुत सख्ती के साथ हमें मना करना है कि नहीं ये काम मतलब करना ही नहीं है, तब जैसे कि शिक्षकों की अनुमति के बिना विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो द स्टूडेंट्स मस्ट नॉट लीव द क्लासरूम विदाउट द परमिशन ऑफ टीचर्स। एक नौकर को अपने मालिक की अवज्ञा नहीं करना चाहिए, तो द सर्वेंट मस्ट नॉट डिसओबे हिज मास्टर। देखिए हमने देखा अभी मस्ट का यूज, अब मैं आपको ये सेंटेंसेस दे रहा हूँ, इनको फटाफट इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये सेंटेंसेस की इंग्लिश बन पाती है कि नहीं। जैसे कि आपको अब निकलना ही चाहिए, सभी को नियमों का पालन करना चाहिए, हमें तुरंत निकलना चाहिए, आपको सत्य स्वीकारना ही चाहिए, तुम्हें यह दवा नियमित रूप से लेनी चाहिए। आई होप कि आपको मस्ट का यूज समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।